ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबरा पुलिस ने 1.5 साल के बच्चे का अपहरण कर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले को गिरफ्तार किया है और बच्चे को सही सलामत माता पिता को सौंप दिया है। आरोपी का नाम नागेश पासी 23 वर्ष है। दिवा के रहने वाले अवधेश कुमार अपने मित्र नागेश पासी के साथ 1.5 वर्ष के आकाश को लेकर मार्केट गए थे, मगर एक दुकान से सामान खरीदने के दौरान अवधेश ने बच्चे को नागेश को दिया, मगर नागेश उस 1.5 साल के बच्चे को लेकर फरार हो गया, जिसकी शिकायत बच्चे के पिता ने मुंबरा पुलिस स्टेशन में 6 जुलाई को दर्ज कराई थी। शिकायत मिलते ही मुंबरा पुलिस ने इसकी जानकारी अपने वरिष्ठों को देते हुए मुंबरा पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कट के मार्गदर्शन में सचिन सरडे, हनुमंत क्षीरसागर, मोरे पादीर शिंदे, जाधव खैरनार खैरात और ठाणे शहर यूनिट 1 ने इसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी। जांच में नागेश का लोकेशन मुंबई सेंट्रल का मिला, वहां भी पुलिस की टीम भेजी गई मगर कुछ पता नहीं चल सका। मगर अपहरणकर्ता ने फोन कर बच्चे के पिता से 5 लाख की फिरौती मांगी थी और पुलिस ने गंभीरता से जांच करते हुए बच्चे को सुरक्षित बोईसर पालघर से आरोपी के साथ बरामद किया है। 6 जुलाई को मुंबरा पुलिस स्टेशन के मार्केट में एक वाकया हुआ। 1.5 साल के बच्चे को उसके पिताजी के साथ वो मार्केट में गए और 2 मिनट के लिए कुछ चीज़ लेनी थी, इसलिए उनके साथ जो व्यक्ति था उसको उन्होंने बच्चे को दिया और वो खरीद के अपनी बैग जब आए वापस तो वो जो शख्स था उसका नाम नागेश था, वो बच्चे को अगवा करके निकल गया था वहाँ से। मुंबरा पुलिस स्टेशन में ऑफेंस रजिस्टर हुआ था, मुंबरा पुलिस ने टीम लगाई थी और फिर क्राइम ब्रांच की टीम भी जुट गई थी और ये दोनों टीम्स ने पिछले 4-5 दिन बहुत मेहनत की और जितने भी सुराग मिलते गए, लीड्स मिलते गए, उनको फॉलो करते गए। उसने कुछ कॉल्स किए थे, रैंसम का डिमांड भी किया था, कुछ इंडिकेशंस मिल रहे थे कि वो मुंबरा से जब गया तो मुंबई सेंट्रल के आसपास दिखाई दिया वो फुटेज भी चेक किए पुलिस ने और उस आधार पर हमारी टीम्स बोईसर और मुंबरा सेंट्रल दोनों जगह पे थी और आज हमने उसको अरेस्ट किया है और हमें जो बच्चा है वो भी मिला है। बच्चे को हमने उसके माता पिता को सपोर्ट किया। बच्चे को सही सलामत बरामद किया गया है, ये पुलिस की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। आरोपी नागेश पर IPC की धारा 363 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है, वहीं बच्चे को माता पिता को सौंप दिया गया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।